हेलो फ्रेंड, एसएनएस फूड जोन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब। आइए हम उसकी रेसिपी जानें। चिकन कबाब के लिए हमें चाहिए चिकन। इसमें हमने एक लेमन डाला है, लेमन का पूरा जूस जो निकला उसे डाला है, बिया को हटा दिया है। हम इसमें कर्ड डालेंगे, हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, क्यूमिन पाउडर डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, मेथी ड्राई मेथी लीव्स डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हम थोड़ा सा कलर डालेंगे, ऑरेंज कलर मैंने यूज़ किया है वो भी आप डालो, कलर डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, कबाब पाउडर डालेंगे, मैंने तेजू का कबाब पाउडर यूज़ किया, आप कोई सा भी चिकन कबाब पाउडर यूज़ कर सकते हो। फिर हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे 2 to 3 hours के लिए फ्रिज में हम रख देंगे। टू आवर्स के बाद हम इसे फ्रिज से निकाल लेते हैं। इसमें हम एग डालेंगे, मैंने एक एग लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम उसमें एग डाल देंगे, एग को भी डालने के बाद हम उसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1.5 स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है मैंने, इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे वापस से फ्रिज में रख देंगे 8 to 9 hours के लिए, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इसे 9 hours के बाद मैंने निकाल लिया है, देखो आप ये कितना जूसी हो गया है। इसकी चिकन के एक एक में पार्ट में अच्छे से पूरा मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी होगा। हमने एक पैन में ऑयल डाला है, पहले चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म है या नहीं। अगर ये हाँ, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें कबाब डालेंगे, चिकन का पीस डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो रहे हैं, इसे पलट के अच्छे से ब्रश करना है, इसे चिकन को अच्छे से ब्रश करना है, वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो वक्त हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे कि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए, इसलिए हमें इसे प्रेस करना है कि ये अच्छे से पक जाए। कभी कबाब पक जाए वह अच्छे से फ्राई हो जाए और हम इसे 1 टेबल करके निकालेंगे।
देखिए हमने निकाल लिया है, इसे एक टिश्यू पेपर में निकालना है, जो भी ऑयल होगा वो इसमें अच्छे से ऑयल इसका निकल जाएगा। अब ऑयल के लिए अब हम इसे एक टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको रैप कर देंगे, जिससे जो भी बचा कुछ ऑयल होगा वो इसमें से निकल जाएगा। ये हमारा जूसी कबाब तैयार हो गया, आप ये आराम से खाइए। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैसा लगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कमेंट देयर आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग SNS फूड जोन।